वाल्मीकि समाज के सभी ऐसा क्यों करा जाता है जो हुआ है, ये छोटी जाति है, गंद में हाथ डालती है। जगदीश चंद बसु यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 6 साल से डीसी रेट पर यहां पर सफाई कर्मचारी और अन्य कई पदों पर कर्मचारी कार्य कर रहे थे। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें मिनिमम वेज पर रखने का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं महिला सफाई कर्मचारी का कहना है कि वो घर में अकेली है और उसके पीछे 2 बेटियां हैं, वो कहां जाएं। कर्मचारियों का आक्रोश काफी बढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए ताकि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। मेरा नाम पूनम है, मेरे को यहाँ 6 साल हो गए काम करते करते। 6 साल से हमारे नए ठेकेदार आते थे, पर हमारी सैलरी में या हमारे किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब कुछ वही था। हम जितने पुराने बंदे थे सारे बंदों को रख लिया जाता था, लेकिन अब नहीं रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि आपको इतने सैलरी मिलेगी। नया ठेकेदार आया है? हाँ जी, नया ठेकेदार आया है। वो कर रहे हैं? चलो हम इतनी सैलरी करेंगे, हम कहाँ जाएंगे इतनी सैलरी। क्या नाम है ठेकेदार का? न्यू इंडिया नाम बता रहे हैं जी। न्यू इंडिया नाम से ठेकेदार। हम 9,000 में भी तैयार हो गए थे, लेकिन सर जी हमको बिल्कुल मना कर दिया गया कि अब तुम्हें कल से ड्यूटी नहीं है। सुबह 7 बजे से 6 बजे से बैठे हम सुबह से यहाँ बैठे, 6:30 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। 2 बेटी है मेरी, मेरे घर में अकेली नौकरी है, मैं कहाँ जाऊँगी? सिर्फ 2 बेटे को मैं अकेले किराए के घर में रह रही हूँ, सब कुछ यहाँ मोल का आता है, सब कुछ है, कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी। मोनू नाम है जी मेरा, यहाँ पर डीसी रेट था। अब हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हमने परमिशन ले ली है हरियाणा गवर्नमेंट से कि आपका डीसी रेट खत्म करके हम महीने भी दे देंगे आपको। अगर आपको नौकरी करनी है 9,300 रुपये में करो, नहीं तो अपने घर जाओ, घर जाओ। और आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपको नौकरी करनी करो। तो सर हमारे किसी, हमें ये बताओ कोई चिट्ठी आई डीसी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट तरफ से जो हमें ये कह रहे हैं कि भाई आपको डीसी रेट को ख़त्म करा जा रहा है? पहले तो हमें ये करा जाए, फिर हमें एकदम निकाले। कल तक तो ये कहा था हमसे कि तुम्हें रख लिया जाएगा 9,300 रुपये, हम चलो उसमें भी एग्री हो गए, चलो अपना पेट भर लेंगे जैसे मर्जी। अब ये कह रहे हैं हम एक भी बंदा नहीं रखेंगे आपका। कितने बंदे हैं? हम 41 बंदे हैं सर यहाँ पे। क्या करते थे? सफाई का काम करते हैं सर, हाउस कीपिंग का काम करते हैं सर, 41 बंदे हम। अब ये कह रहे हैं सबसे एक नहीं रखेंगे, हम सब नहीं रखेंगे सर। एक तो हमारा डीसी रेट खत्म कर दिया इन्होंने सर, बिल्कुल भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई कह रहे हैं हमारी सबसे बात हो गई है, हमारी ऊपर तक बात है, तुम जहाँ तुम्हें हाथ पैर मारने, आप जितना मारना मार लो, आपको कुछ नहीं हो सकता जी। खाली सफाई यहाँ पे मालिक मालियों के डीसी रेट मिल रहा है, पीओनो का डीसी रेट मिल रहा है, सबको डीसी रेट, ओनली स्लीपरों का करा जा रहा है जी। ये बेचारे वाल्मीकि समाज के संग ऐसा क्यों करा जा रहा है? जो दुर्भाग्य, ये छोटी जाति है, गंद में हाथ डालती है, तुम्हें सफाई में बैठा रही है, तुम्हारे को साफ सुथरा करके बैठा रही है, तुम उसी के संग ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? इसमें सर हमारी क्या गलती है बताओ? जब आपको करना है कोई आपका चिट्ठी भाई लिखा से दो भाई, तुम्हें हमारे को हरियाणा गवर्नमेंट ने ही खत्म कर दिया है, जबकि अगर हम आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया हमें बताओ जी, आपने आपको नौकरी हरियाणा ने खत्म कर दिया डीसी रेट, आपको तुम्हें नौकरी करनी करो या अपने घर जाओ। तो हम इसमें भी एग्री हैं सर, ये कुछ बता ही नहीं रहा आपको 9,300 करनी, राजू उसकी बात भी मना कर रहे हैं सर, ये मतलब भगा रहे हैं सर, बिल्कुल